अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनिमल सफ़र। तो आज हम जो है सबसे पहले ये चिड़ियों के लिए बाजरा लेके आए हैं। इन्हें जो है बाजरा डालते हैं, फिर हमारी बिल्लियों को जो है कैट फूड डालते हैं। और ये देखें दोस्तों, चिड़ियाँ यहाँ बैठी हैं, बोल रही है काफ़ी देर से, और बाजरा जो इनका ख़त्म हुआ हुआ जी। इस कुंडे में जो है पहले ये बाजरा डाल, और ये देखिए जी चिड़ियों के लिए बाजरा दोस्तों इसमें डालते हैं, डाल के और ऊपर छत पर रखते हैं दोस्तों। हमारे छत पे जो चिड़ियाँ वगैरह आके खाती हैं जी। इसमें डाल देते हैं दोस्तों सारा, ताकि ये एक हफ्ता या 5-6 दिन दोस्तों चल जाता है। ये 1 किलो, ये तकरीबन 1.25 किलो मैं लेकर आया हूँ, और आधा अब डाल देते हैं, आधा जो है दोस्तों थोड़े दिनों के बाद डालेंगे जब ये खा लेंगी। और दोस्तों इसमें डाल दिया हमने चिड़ियों के लिए दाना, बाजरा जो लेके रहे हैं, और इसे जो ऐसे ऊपर ही रखते हैं ताकि चिड़िया वगैरह आके खा ले। तो दोस्तों बाजरा रख दिया चिड़ियों के लिए, अब जो हमारी बिल्लियों के लिए हम कैट फूड लेके आए हैं, कैट फूड डालते हैं। और ये देखो दोस्तों 6 बिल्लियाँ और 6 बर्तन में डालेंगे हम बिल्लियों को कैट फूड, ताकि अलग अलग जो है आराम आराम से खाएँ दोस्तों। देखें दोस्तों थोड़ी थोड़ी डालनी है हमने, और 6 की 6 बिल्लियों को लैदा लैदा आज हम बर्तनों में रखेंगे। ये 3 की हो गई है दोस्तों, और ये 4 बिल्लियों की, और ये 5 बिल्लियों की, और दोस्तों ये 6ठी बिल्ली की हो गई है। दोस्तों ये 6 बर्तन हो गए हैं, और अब जो बिल्लियों को हम भी डालते हैं दोस्तों। बिल्लियों को आज यहीं पर खिलाएँगे बाहर रख के, और ये देखना कैसे बिल्लियाँ माशाल्लाह से लाइन में बैठ कर ही खाएंगी। तो बिल्लियों को खोलते हैं। और ये देखें दोस्तों बिल्लियाँ भी हमारे इंतज़ार में, इन्हें खोलते हैं। आ जाओ। ये देखें दोस्तों कैसे माशाल्लाह से बिल्लियाँ खा रही हैं जी हमारी, सारी आके यहाँ पे। ओ इससे क्या हुआ दोस्तों, ये थोड़ी सी लंगड़ा रही है बिल्ली, इसे चेक करते हैं पहले, इन्हें जो हम खिला देते। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं जी हमारी बिल्लियाँ, कैट फूड खा रही हैं इकट्ठी दोस्तों देखें। और ये देखें दोस्तों कैसे माशाल्लाह से हमारी बिल्लियों ने सारी उन्होंने देखे जी खा ली है। और बिल्ला देखें दोस्तों, बिल्ला वहाँ चला गया, और बिल्लियाँ सारी हमारी खा रही हैं जी देखें माशाल्लाह से। कालू ने भी खा लिया दोस्तों, और काली भी अभी खाने में शुरू है, और बादल भी हमारी खा रही है जी अभी। ये देखें दोस्तों कालू अभी स्लो खा रहा है, और दूसरे बिल्ली जो है वो भी थोड़ी स्लो खा रही है जी। इसने सबसे पहले ख़त्म कर लिया दोस्तों, और बिल्ला ही खा के सबसे पहले भाग गया है दोस्तों। बिल्ली को थोड़ी सी और डालते हैं। ये देखें जी कैसे जल्दी जल्दी में दोस्तों उन्होंने लीचे भी गिरा दी है, और ये ज़ाया जाएगी ऐसे अच्छी तरह उठा के जो है इन्हें डालती हैं। ये काली को डाल देते हैं जो उठा उठा के, ज़ाया नहीं जाने देंगी, सारी बिल्लियाँ खा लेंगी दोस्तों। चलो 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 खा लो खा लो खा लो। ये लो खा लो, काले तू। और ये देखें यहाँ पे भी गिराई हुई है दोस्तों। ये देखें दोस्तों हमारी डेली की रूटीन है जो, वो हमने आपको दिखाई है, बिल्लियों को कैट फूड डाली है जी ऐसे लहता लहता बर्तनों में दोस्तों। और इनके लिए जो है ना स्टील के बर्तन लेके आएंगे दोस्तों, भी प्लास्टिक वाले रखे हुए हैं, लेकिन हम जो है इन्हें एक ही चीज़ नहीं देते दोस्तों, कभी हम इन्हें दूध में डाल के देते हैं, और कभी अकेली कैट फूड डाल देते हैं, और किसी टाइम दोस्तों अकेला दूध भी एक टाइम डाल देते हैं। 2 टाइम फीड देते हैं दोस्तों बिल्लियों को हम, और बकरों को भी, और हमारे जो मोती और शूजी उन्हें भी 2 टाइम दोस्तों, सारों को हम 2 टाइम ही देते हैं फीड। देखिए माशाल्लाह से सारी ने खा ली है, और वो बिल्ली देखें अभी भी दोस्तों जाके कैट फूड को ही सूंघ रही है।
और इसे दोस्तों थोड़ा पाँव का मसला हुआ, लंगड़ा रही है, इसे देखते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ मानो, क्या हुआ दोस्तों? ये अचानक पता नहीं क्यों लंगड़ाने लग गई है। क्या हुआ देखने तो दे मानो, मुझे लगता है इसके कि या तो पंजे में मसला है, ये लंगड़ा रही है पता नहीं क्यों मानो। क्या हुआ दोस्तों? जख्म भी नहीं है इसे, और लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये क्यों लंगड़ा रही है जी। कहीं लड़ी ना हो ये बिल्ली आपस में, लड़ती तो नहीं है दोस्तों अक्सर, लेकिन पता नहीं क्या मानो। क्या हुआ दोस्तों? कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ, लेकिन इसके पाँव पे हाथ लगाता हूँ ना इधर, इसके दर्द हो रहा है। ये देखो ये काट भी रही है थोड़ा सा मानो, इसे दर्द हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये काट में आ गया थोड़ा सा। और इसे एक बार इधर ही छोड़ते हैं दोस्तों, और इसे जो ना एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि कोई दर्द वगैरह हो तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों बिल्लियों ने खा लिया, और बिल्लियों को जो है पिंजरे में बंद करते हैं जी वापस, फिर इन्हें बाद में खोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों गब्बर ने कल मोती का हमारा बहुत बुरा हाल किया था, आपने देखा ही था, बेचारे को खूनम खून कर दिया था। हमें तो डर था कहीं मोती को बड़ा ज़ख्म ना हो जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो ठीक है, उसने खाना वगैरह भी खाया दोस्त। और जो है मोती को खोलते हैं, उससे मिलवाते हैं जी, मोती का हाल चाल पूछते हैं दोस्तों। मोती को और शुभी को यहाँ पर दोस्तों बंद किया था, और वाइट बकरी को भी बकरे तंग कर रहे थे। और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा मोती दोस्तों बिल्कुल एक्टिव है। मोती ये देखें दोस्तों, मोती हमारा बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल सही है दोस्तों। ये देखें दोस्तों मोती का जो खून वगैरह अभी भी काफ़ी जमा हुआ है जी बालों के, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब ये ठीक है बिल्कुल, इसने खाना वगैरह भी खाया है। और लेकिन अब जो इसके बाल हैं हम सोच रहे हैं इसे कटिंग कराते हैं, और इससे ये भी पता चल जाएगा कोई ज़ख्म वगैरह तो इसे नहीं है। लेकिन ज़ख्म वगैरह तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं ये कहता हूँ लेकिन थोड़ी टेंशन दूर हो जाएगी, इसलिए जो है ना इसकी कटिंग करवा देते हैं हम आजकल में ही ना, बुला के किसी को और इसे मशीन फिरवाते हैं दोस्तों, ताकि गर्मियों के लिए इसकी आसानी भी हो जाएगी, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और मोती का जो हमारा पता भी चल जाएगा जैसे कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं है। और ये देखें दोस्तों शूजी और मोती बिल्लियों को कैट फूड पे हमला कर दिया जी, ये देखिए इन्होंने, नहीं नहीं मारा नहीं है, शाम को मिलेगा तुम्हें, शाम को भी नहीं। मोती मोती गुड गुड मोती, ये देखें दोस्तों कितना एक्टिव है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है ये तो। हाँ भाई के डेरे पे ये डर गया था काफ़ी, जाके हमला एकदम से इसे गया था तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये देखें शूजी के पास आ गए, शूजी भी हमारी देखें जी नहा के निखर गई है दोस्तों। मोती ये आपके लिए नहीं है। और ये देखें दोस्तों बिल्लियाँ हमारी खा पी के अंदर आराम फरमा रही हैं जी पिंजरे में जाके दोस्तों। ये देखें दोस्तों हमने जो बाजरा रखा हुआ छत पे, उस पर गुलहरी भी आके खा रही है जी, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। अब वो चली गई है, वापस आएगी अभी। तो दोस्तों वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।